हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सस्त्री अकाल मायूं आपका चहिता बहुत प्यारा वाशेफ संजय तुमा आज आपके लिए एक सिंपल सा डिश रसम। ये साउथ इंडिया में इतना फेमस डिश है, जब हमें बुखार या जुकाम कुछ भी होता है वो टाइम पे हमें सब खाना पसंद नहीं होता, ये टाइम में ये रसम जो है बहुत अच्छा है। और इसमें हम लोग टमाटर डाल रहे हैं जो कैंसर के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा मतलब नहीं आने के लिए अच्छा है। तो अब शुरुआत करते हैं रसम। ये रसम बनाना बहुत आसान है। ये बनाने के लिए सबसे पहले पानी ले लो, ठीक है। अब आप देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। तो इसके अंदर टमाटर डालो कटा हुआ, और इसके अंदर हरी मिर्ची डालो जितना चाहिए उतना, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा कड़ी पत्ता डालो और नमक, और इसके अंदर प्याज भी कटा हुआ प्याज, और इमली का पानी, ये सब डाल के इसको अच्छा बॉईल करने दो। और इसके अंदर धनिया के डंटल, मतलब धनिया का जो स्टेम्स होता है, रूट्स होता है, ये डाल देंगे क्योंकि इससे अच्छा खुशबू बाहर निकलेगा। और थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर, बस ये सब डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे ये पानी उबाले और इसका जो फ्लेवर्स पूरा ये पानी के अंदर आ जाए, ताकि अपना रसम बहुत टेस्टी हो। अब देखिए ये अच्छा पकने के बाद इसके अंदर जो है वाह खुशबूदार हो गया, मगर ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं उससे एक खुशबू 10 गुना हो जाएगा, आप देखते रहिए। इसके लिए तड़का देना पड़ता है और एक कूटा हुआ मसाला डालना पड़ता है। सबसे पहले कूटा हुआ मसाला तैयार करेंगे मगर तड़के बाद ही डालेंगे। ये कूटा हुआ मसाला बनाने के लिए पेपरकॉर्न्स काली मिर्च इसके अंदर डालेंगे, और इसके अंदर थोड़ा जीरा, ठीक है, और इसके अंदर गार्लिक, ये तीनों डाल के इसे अच्छा कूट के रखेंगे। इसे हम कहते हैं सुगंध द्रव्य, क्योंकि ये जो मसाला लास्ट में हम तब डालेंगे इतना अच्छा खुशबू अपने रसम को मिलता है, ठीक है। हाँ बहुत स्ट्रांग है। अभी दाल बनाते हैं, उसका पानी या थोड़ा बचा हुआ दाल का थोड़ा पतला जैसा बना के ये रसम में डालते हैं। ये रसम को थोड़ा स्ट्रेंथ देता है। अभी तड़का डालने के लिए एक छोटा पैन लीजिए और तेल डालेंगे। तड़का के लिए लाल मिर्ची, और इसके अंदर राई, और थोड़ा सा हल्दी और करी पत्ता, और इसके अंदर हिंग पाउडर जो है थोड़ा डालेंगे, और इसको अच्छा से ये बंद करके ये तड़के को जो है इसके अंदर डाल देंगे। हाँ, और लास्ट में इसके अंदर और थोड़ा धनिया डालेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा मसाला, जो लहसुन काली मिर्ची और जीरा का मसाला जो है ये लास्ट में डालेंगे। एक बार मिलाएंगे, बस इसको पकने नहीं देना, इसको स्विच ऑफ कर दो और इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, और जो स्वाद जो है इसी के अंदर रहने दो। जादू मेरी नज़र, खुशबू मेरा बदन, क्या गा रहा हूँ, जादू मेरा तड़का, खुशबू मेरा मसाला, तभी बनेगा एक अच्छा स्वाद भरा हुआ ये रसम जो सब पसंद करते हैं। वाह गाने के पीछे ये बुलक्कड़ एक चीज़ डालना भूल गया, वो है थोड़ा चीनी। तो लास्ट में नहीं, बीच में भी थोड़ा चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीनी जो है एक थोड़ा सा ये इमली का है, यू नो इसके अंदर टमाटर है, वो सबको थोड़ा कंट्रोल करके एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड करता है ये चीनी। थोड़ा लास्ट में डालेंगे और ये थोड़ा घुलने के बाद आप इसको टेस्ट करेंगे।
हा बाया इसका असली स्वाद। ये मस्त पेपर और गार्लिक का क्या रसम है। मजा आ गया। आप भी आपके घर में बनाइए और खुशी से खाइए, मगर भूलिए मत वारे वाह है किस लिए, सबको प्रेरित करने के लिए। और आप भी अपना फेवरेट रेसिपीज हमारा वेबसाइट में पोस्ट करिए ताकि दुनिया भर लोग वो स्वाद चख सकें।